हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन उसे प्रेस जरूर कर ले, ताकि मैं जो भी नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। जैसे कि आपको पता है, अभी शारदीय नवरात्रि चल रहा है, तो शारदीय नवरात्रि में पाँचवा दिन किस देवी की पूजा की जाती है, जी हाँ, मंत्र क्या है और पूजा विधि क्या है, ये सारा चीज़ बताऊंगी। तो आइए जानते हैं। शारदीय नवरात्रि के पाँचवें दिन होती है माँ स्कंद माता की पूजा। जानिए क्या है पूजा विधि, मंत्र और कथा। स्कंद माता प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं की सेनापति बनी थी, जिस वजह से पुराणों में कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। शारदीय नवरात्रि के पाँचवें दिन दुर्गा माँ के स्कंद माता रूप की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इनकी कृपा से मूर्ख भी ज्ञानी हो जाता है। पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली देवी हैं स्कंद माता। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, भक्त को मोक्ष मिलता है। वहीं मान्यता ये भी है कि इनकी पूजा करने से संतान योग की प्राप्ति होती है। जानिए नवरात्रि के पाँचवें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा, मंत्र, मुहूर्त और रंग। पूजा विधि, नवरात्र के पाँचवें दिन सबसे पहले स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब घर के मंदिर या पूजा स्थान में चौकी पर स्कंद माता की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। गंगा जल से शुद्धिकरण करें, फिर एक कलश में पानी लेकर उसमें कुछ सिक्के डालें और उसे चौकी पर रखें। अब पूजा का संकल्प लें। इसके बाद स्कंद माता को रोली कुमकुम लगाएं और नैवेद्य अर्पित करें। अब धूप दीप से माँ की आरती उतारें और आरती के बाद घर के सभी लोगों को प्रसाद बांटें और आप भी ग्रहण करें। आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। कार्तिकेय को देवताओं का कुमार सेनापति भी कहा जाता है। कार्तिकेय को पुराणों में सनत कुमार, स्कंद कुमार आदि नामों से भी जाना जाता है। माँ अपने इस रूप में शेर पर सवार होकर अत्याचारी दानवों का संहार करती हैं। पर्वतराज की बेटी होने के कारण इन्हें पार्वती भी कहते हैं और भगवान शिव की पत्नी होने के कारण इनका नाम एक नाम महेश्वरी भी है। इनके गौर वर्ण के कारण इन्हें गौरी भी कहा जाता है। माँ को अपने पुत्र से अधिक प्रेम है, इसीलिए इन्हें स्कंद माता कहा जाता है। जो अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करती हैं, माँ कमल के पुष्प पर विराजित भय मुद्रा में होती हैं, इसीलिए इन्हें पद्मासन देवी और विद्यावाहिनी दुर्गा भी कहा जाता है। स्कंद माता का बीज मंत्र, सिंहासन गता नित्य पद्मा श्रित कर दया, शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यश सुनी, ओम देवी स्कंद माताए नमः। ये था बीज मंत्र स्कंद माता का। और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में छठा पूजा शारदीय नवरात्रि में माता कात्यायनी की होती है, तो माता कात्यायनी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग वेट कीजिए मेरा उस वीडियो का, और आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कीप सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।